हरिओम। आज की सत्य घटना महाराष्ट्र से, जिनका नाम है कैलाश जाधव। 2004 में मैंने सपरिवार पूज्य बापू जी से मंत्र दीक्षा ली थी। गुरुदेव के सत्संग से हमारा पूरा जीवन ही बदल गया। यह अमृत समाज तक भी पहुंचे, इस हेतु मैं और मेरी पत्नी घर घर उसी प्रसाद पहुंचाने की सेवा करने लगे। अप्रैल 2015 में मुझे मलेरिया हो गया। डॉक्टर को दिखाया पर उसके इलाज से कोई फायदा न हुआ। हालत इतनी खराब हो गई कि मुझे जलगांव के बड़े अस्पताल में भर्ती कर दिया। डॉक्टर बोले इनकी दोनों किडनियां खराब हैं। इसके बाद मुझे औरंगाबाद के एक बड़े अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहां मुझे आईसीयू में रखकर उपचार शुरू हुआ। मैं और मेरी पत्नी पूज्य बापूजी को पुकार रहे थे, तुलसी प्रसाद बापूजी का हृदय है, ऐसा भाव करके मेरी पत्नी मेरे ऊपर तुलसी प्रसाद घुमा रही थी। बीच बीच में गोधन अर्क में पानी मिला के पिलाती थी। कुछ समय बाद डॉक्टरों की टीम आईसीयू में आई। मैंने देखा कि उन सब के आगे पूज्य बापूजी चल रहे हैं। पूज्य श्री ने मेरा हाथ पकड़ा, नाड़ी जांची। मैं जोर से बोल पड़ा, बापूजी आए, बापूजी आए। डॉक्टरों ने समझा कि बुखार तेज है, इसलिए कुछ भी बड़बड़ा रहा है। पर मैं पूरे होश में था और खुली आंखों से पूज्य बापूजी का तेजोमय दिव्य रूप निहार रहा था। आशीर्वाद देकर मधुर मुस्कान देते हुए अंतर्धान हो गए। उसके बाद सभी रिपोर्ट नॉर्मल आने लगी। दोनों किडनियाँ पूर्ववत कार्य करने लगी। डॉक्टर आश्चर्यचकित रह गए। मैं 9 दिनों में पूर्ण रूप से ठीक हो गया। अब ऋषि प्रसाद घर घर पहुँचाने की सेवा अखंड रूप से करता रहूँ, यही बापूजी के चरणों में मेरी प्रार्थना है।